हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज के वीडियो में मैं आपके साथ नायका से मैंने एक लूज पाउडर मंगाया था, वही आपके साथ शेयर करूंगी। अभी आज ही मुझे रिसीव हुआ था ये वाला पार्सल। आई थॉट कि इसे अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं कैसा रिसीव हुआ है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इफ़ यू आर न्यू ईयर, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पर इस तरह से मुझे कार्डबोर्ड बॉक्स में रिसीव हुआ है। मैंने मंगाया था मार्स कॉस्मेटिक का लूज पाउडर, काफ़ी अच्छा मैंने सुना था लूज पाउडर के बारे में। आई थॉट ट्राई करते हैं। मार्स बहुत ही अच्छा अफोर्डेबल ब्रांड है और उसका फाउंडेशन भी मैंने मंगाया है अमेज़ॉन से, तो वो भी आ जाएगा, तो मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगी। सो ये रहा मार्स कॉस्मेटिक का लूज पाउडर। आपको इस तरह की कार्डबोर्ड की पैकेजिंग के साथ मिलेगा। जो शेड मैंने मंगाया था वो सॉफ्ट लाइट शेड है एंड बैक साइड में आप देख सकते हो डिस्क्रिप्शन, इंग्रेडिएंट्स सारा कुछ आपको मिलेगा। प्लस इसमें एक्सपायरी एंड मैन्युफैक्चरिंग डेट भी दी गई है, तो ये 2024 में मैन्युफैक्चर हुआ है एंड इसकी जो एक्सपायरी डेट है 2028 तक आप इसे यूज़ कर सकते हो, तो इसकी शेल्फ लाइफ काफ़ी ज़्यादा है। एमआरपी की बात करूँ तो 279 इसकी एमआरपी है एंड आपको 8 ग्राम का प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो जल्दी से मैं इसे ओपन करती हूँ। इसमें 4 शेड्स में ये अवेलेबल है, तो मैंने सॉफ्ट लाइट शेड मंगाया है एंड जस्ट गेट द प्रोडक्ट। यहाँ पर आप देख सकते हो ये डार्क ब्लू कलर में है एंड यहाँ पर मार्स का लोगो आपको मिलेगा, ट्रेंड सेटिंग पाउडर एंड बैक साइड में आप देख सकते हो उसका कलर शेड कैसा है। एंड इसमें भी आपको बैक साइड में इसके इंग्रेडिएंट्स मिल जाएंगे, प्लस इसका शेड नंबर मिलेगा जो कि सॉफ्ट लाइट है और ये भी काफ़ी अच्छे से पैकेजिंग के साथ मिला है एंड आप देख सकते हो काफ़ी ट्रैवल फ्रेंडली है, काफ़ी स्लीक सी इसकी भी इस तरह का छोटा सा टब में आपको मिलेगा। तो यहाँ पर कवर है तो मैं इसे कवर निकालूंगी एंड सो ओपन करने के बाद आप देख सकते हो आपको एक पाउडर पफ मिलेगा जिसकी क्वालिटी अच्छी है एंड यहाँ पर अगेन आपको मार्स का लोगो भी मिलेगा एंड यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरह से एक स्टिकर है एंड मैं आपको करीब से बताती हूँ। यहाँ पर स्टिकर हैं, आप चाहे तो इस स्टिकर को निकाल सकते हो या अदरवाइज़ यहाँ पर पिंस कर भी, होल बना करके भी आप प्रोडक्ट को निकाल सकते हो। तो मैं पहले इसे ओपन करूँगी। ओपन करने के बाद आप देख सकते हो जो शेड मैंने मंगाया था वो सॉफ्ट लाइट था एंड इसका जो टेक्स्चर है बहुत ही ज़्यादा बटरी सॉफ्ट है एंड ये वाला मैंने मंगाया था। इसमें ट्रांसलूसेंट भी है, बनाना पाउडर भी है, इसमें 4 शेड्स अवेलेबल है। आप चाहे तो कोई भी मंगा सकते हो बट मैंने 02 सॉफ्ट लाइट शेड मंगाया एंड बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। फ्रेगनेंस की बात करूँ तो इसमें कोई भी फ्रेगनेंस तो मुझे नहीं आ रही है, बाकी तो जब हम इसे सेट करेंगे मेकअप को तो तब पता चलेगा। मैंने ऑलरेडी मेकअप कर लिया था एंड अंडर आइज पर आप देख सकते हो हल्के से क्रीजेस दिख रहे हैं, तो उसे ही मैं सेट करूँगी। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पाउडर ले लिया है एंड एक्स्ट्रा हम डस्ट ऑफ करेंगे एंड इस तरह से मैं लगाऊंगी। आप चाहे तो पिज़्ज़ा पाउडर पफ का भी यूज़ कर सकते हो एंड सो यू कैन सी के ये इंस्टेंटली मैटिफाई कर दिया है। ये वाला साइड आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा शाइनी लग रहा है बट ये वाला साइड आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे से इसने सेट कर दिया है एंड जो लाइंस थे वो भी लाइंस चले गए हैं, तो अच्छा है। एंड क्विकली मैं ये वाला साइड को भी सेट करूँगी एंड देखते हैं। एंड पाउडर ब्रश की हेल्प से मैं इसे डस्ट ऑफ कर दूंगी। बेकिंग के लिए आप यूज़ कर सकते हो
तो फर्स्ट इम्प्रेशन मेरा तो अच्छा लगा, एंड मैं आपको करीब से बता रही हूँ कि कितने अच्छे से इसने सेट कर दिया है। तो अच्छा लगा मुझे, मुझे तो अभी के लिए अच्छा लगा। आने वाले वीडियोस में मैं इसे यूज़ करूँगी, ट्राई करूँगी, एंड देखते हैं इसकी लॉन्ग लास्ट कितनी देर तक करता है सारा कुछ। आने वाले वीडियोस में इसमें मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि इसका लॉन्ग लास्टिंग कितनी देर तक ये रहता है। तो अभी के लिए तो मुझे अच्छा लगा। अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो मुझे ये 250 रुपीज़, 249 रुपीज़ का मिल गया था। नायका से मैंने मंगाया था, तो 249 रुपीज़ के हिसाब से डेफिनेटली आप ट्राई कर सकते हो, क्योंकि इसने बहुत ही अच्छे से सेट कर दिया, एंड बहुत ही स्मूथ फिनिशिंग भी आप देख सकते हो, बहुत ही सॉफ्ट एंड बहुत ही अच्छी सी फिनिशिंग भी मिल रही है। यहाँ पर मैंने सेट नहीं किया, अंडर आइज आप देख सकते हो कितने ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, एंड बहुत ही अच्छे से मैटिफाई भी कर दिया है। तो आप ट्राई कर सकते हो, मुझे तो अच्छा लगा। परचेस लिंक मैं डाल दूँगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट या फिर नायका से भी परचेस कर सकते हो। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। चलिए मिलती है आपसे नेक्स्ट टाइम वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय गाइस।